हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर 7। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पे कंटिन्यूस अपने बेस के पास हंगामा मचा हुआ है। पता नहीं यार, इतने ज़्यादा भाई लोग आ रहे हैं, बट अब क्या बोल सकते हैं। बट यार अभी जो है ना, यहाँ पे आया हुआ है कार्गो। तो आज हमारा प्लान है कि हम लोग थोड़ा सा कार्गो वगैरह लूट के आएंगे, एंड इसके कुछ ही देर बाद आने वाला है यहाँ पे ड्रॉप। और आज जो है ना, हम लोग ड्रॉप में लेके जाने वाले हैं रॉबोट, एंड उसके साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके यार, यहाँ पे बोट है, एंड मुझे लगता है मेरे को अपना गाड़ी यहाँ पे पार्क करना चाहिए, एंड उसके बाद हम लोग जो है ना बोट से चलते हैं सीधा कार्गो शिप में। तो लेट्स गो। मैंने अपने टीममेट को बोला फॉलो मी, वो मेरे को फॉलो कर लेगा। एंड जब तक हम लोग यहाँ पे बोट में पहुँचते हैं, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नए, एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड जल्दी अपना टीममेट अपनी बोट में बैठ जाएगा और हम लोग निकलते हैं सीधा यहाँ पे से कार्गो। वैसे मुझे उम्मीद थी डेफिनेटली यहाँ पे कार्गो में तो काफ़ी बंदे आएंगे, बट देखते हैं कार्गो में बंदे आते हैं या नहीं आते। वैसे मुझे लगता है यार ग्लोबल में ना कार्गो में इतना बंदे नहीं आते हैं, क्योंकि ये आज का नहीं है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से ग्लोबल खेल रहा हूँ, एक साल तो हो ही गया होगा, तो मुझे तो ज़्यादा बंदे दिखते नहीं है। फिर भी ट्राई करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या बंदा बंदे आ जाए यहाँ पे। तो चलो यार फटाफट से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉप को जो है ना अनलॉक करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे से ड्रॉप की तरफ चढ़ रहा था, तो यहाँ पे एक वो रहता है, उसको मारा मैंने। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे गया, पीछे से जो है ना AR वाला बॉट मेरे को मारने लगा, बट लकीली यार मेरे टीममेट ने उसको मार दिया। मेरा HP भी जो है ना काफ़ी कम हो गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉप को अनलॉक किया, फटाफट से मैंने अपने आप को हील अप किया, एंड यहाँ पे यार एक भी बंदा नहीं आया। तो मैंने सारे का सारा लूट उठाया, एंड उसके बाद यार हम लोगों ने फटाफट से पहुँचे बाहर में। और मैंने क्या देखा, यहाँ पे जो है ना अपना एक टीममेट पता नहीं गाइस किधर फायर कर रहा था। तो बाहर में देखना गाइस यहाँ पे क्या ही गजब सीन हुआ। चलो मैं गन वगैरह ऐसे करता हूँ ना, सेफ में डाल देता हूँ। वैसे पॉइंट भी डाल देता था, बट यार पॉइंट तो सेफ में जाएगा नहीं। तो अपन लोग जो है ना चलते सीधा फटाफट से अपनी गाड़ी के पास। तो यार जैसे हम लोग गाड़ी के पास पहुंचे, एंड यहाँ पे देखो एक बोट आया था इधर की साइड, तो मैंने वैसे इसमें फायर करने का ट्राई की तो किया, अराउंड 6 से 7 बुलेट लगा। तो मैंने कहा चलो यार अभी हम लोग चलते हैं, उसको मार के आएंगे। तो मैं फटाफट से अपना गाड़ी में बैठा, एंड मैं पीछा जो है ना उसका करने लगा। चलो यार फटाफट से उसका पीछा करते हैं, 2 बंदे हैं उसके अंदर, एंड अगर हम लोग उनको मार देंगे तो कम से कम अपने को 2 AR एंड 2 किट तो मिल ही जाएगा। तो फिर क्या था यार, मैंने फटाफट से अपनी गाड़ी में घेर लगाया, आई मीन 5वां गियर लगाया, एंड मैं जो है ना उनकी बोट के पीछे भागने लगा। एंड बाद में मेरे को यहाँ पे एक बेस दिखा, एंड मैंने समझा मे बी जो है ना इनका वही बेस है, एंड उधर ही जा रहे होंगे। मैंने उसका फायर किया, अभी भी यार मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। मुझे लगता है ये बोट जो है ना वो एकदम न्यू बोट था, तभी तो गाइज ये फूटा नहीं है। देखो ये इधर ही आ रहे हैं। चलो फिर भी ट्राई करता हूँ इसको मारने का। जैसे ही उसने मेरे को देखा ना गाइज कि ये मैं इसके बेस के पास आ चुका हूँ, ये बंदा जो है ना यहाँ पे से ये भाग गया। भाई एक बुलेट तो लगा उसको, बट तो यार उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया। मुझे लगता है आप तो ये आएंगे नहीं। वैसे मैं अपने टीममेट से बोल रहा था कि ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे बोट है, एंड हम लोग भी जो है ना बोट में बैठ के चलते हैं, इनकी बोट को फोड़ेंगे। तो बट यार अपने टीममेट ने मना करा, भाई अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 मिनट बाद यहाँ पे ड्रॉप आने वाला था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, फटाफट से हम लोग ऐसे करते हैं ना घर चलते हैं, एंड वहाँ से अपना रोबोट उठा के फिर चलेंगे ड्रॉप में। आज यार रोबोट के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड लेट्स गो, अपना टीममेट तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं बैंडिट कैप में, क्योंकि ड्रॉप जो है ना बैंडिट में आया हुआ है। लेट्स गो चलते हैं। एंड आज मेरा टीममेट का प्लान है कि अपन को क्या करना है, ड्रॉप के सामने ना अपन रोबोट को जो है ना पेड़ बना देंगे। चलो लेट्स गो चलते हैं फटाफट से। तो यार यहाँ पे हम लोग बैंडिट में पहुँच चुके हैं। वैसे मेरा प्लान था यार बंदे तो आएंगे ज़रूर, एंड वो बंदा ज़रूर आएगा गाइस। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा जो कि रोबोट चला रहा था, एंड वो भाग गया था। एंड देखो इस बार ही वो गाड़ी से आएगा, अब पता चलेगा यार रोबोट का एडवांटेज क्या है। यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा, गोली से उसको मारने का ट्राई करता हूँ। ओके गोली से गाइस मैंने यहाँ पे उसको नॉक किया। मुझे नहीं लगता उस बंदे के पास कुछ होगा, क्योंकि वो नेकेड ही था। तो मैंने अपने टीममेट को बोला फटाफट से यार रोबोट पर बैठ एंड चलते हैं।
तो अपन का टीममेट बोलने लगा था ना, एक्सेस भाई ऐसे करना, यहाँ पे इसको पेड़ बना दे इसी के बगल में, मतलब बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा वो प्लान तो ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। अपन ने फिर यहाँ पे आया अपना टीममेट, यहाँ पे बोला यहाँ पे बना पेड़। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेड़ बनाया, यहाँ पे आ चुकी थी गाड़ी। मैंने कहा भाई अब मज़ा आएगा, एंड इन बंदों को लगेगा कि यहाँ पे रोबोट नहीं है, एंड वो अपने टीममेट को देखें मारने के लिए उतरेंगे। तो जैसे गाइस वो बंदा उतरा, एंड मैंने जो है ना बजूका मारा, बंदा नॉक। ये वही बंदा है ना जो पिछले एपिसोड में रोबोट चला रहा था ड्रॉप में। तो भाई यहाँ पे एक बंदे को तो हम लोगों ने नॉक कर दिया, एंड दूसरा बंदा है उसका वहाँ पे, एंड उतरेगा ज़रूर। बट जैसे उसने रोबोट देखा भैया, उसने अपनी गाड़ी का बैक गियर लगाया और यहाँ पे से भागने लगा। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा अगर वो उतर के गोली मारने का ट्राई करेगा तो एटलीस्ट मैं अपने टीममेट को कवर दे सकता हूँ, एंड मुझे नहीं लगता वो पास आएगा अभी। तो ठीक है, अपने टीममेट यहाँ पे रिवाइव हो चुका है, फटाफट से वो सीरीज वगैरह लगाएगा। एंड अभी यार ये दोबारा से दोनों बंदे जो है ना आ चुके हैं, अपना टीममेट यहाँ पे फायर कर रहा है। मैं फायर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको, क्योंकि मेरा प्लान है जैसे ही वो उतरता मैं बजूका मारता, पर ठीक है। तो भाई बंदे वहाँ पे रुके हैं, उसके तरफ चलूँ? नहीं अभी नहीं भाई। ये रॉबर्ट से किसको मारा? अरे भाई अपना टीममेट गया, बट कोई नहीं गाइस, अपने दूसरे टीममेट ने जो है ना उसको मारा। एंड मुझे पता था ये बंदा डेफिनेटली गाड़ी से उतरेगा, तो इसीलिए जो है ना मैं किसकी गाड़ी के पास रॉबर्ट लेके आ गया। मैंने कहा गाड़ी से तो उतर भाई, सीधा बजूका मारूंगा इसके मुंह में, बट ये उतरा ही नहीं गाड़ी से। एंड इसके बाद जो है ना अपना टीममेट वगैरह भी रिवाइव हो चुका था, तो हम लोगों ने इसकी गाड़ी को यार अपने टीममेट ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। तो अभी मुझे लगता है ड्रॉप का भी टाइम हो गया होगा, फटाफट से ड्रॉप के पास चलते हैं, ड्रॉप का लूट उठाएंगे। ओके, ड्रॉप अनलॉक हो चुका है। 3 AR मिला मेरे को, बॉम्ब मिला, हैंडमेड वगैरह सब चीज। टावर से गाड़ी पे बैठते हैं और चलते हैं सीधा अपने बेस। बट जैसे यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को बोला भाई गाड़ी में बैठ, बेस चलते हैं, एंड वैसे ही गाइज यहाँ पे आ चुकी थी उनकी दोबारा से गाड़ी। एंड अभी भी यार वहाँ पे दोनों ही बंदे थे। मैंने कहा भाई अब तो इनकी गाड़ी छोड़ेगा नहीं, अपन छोड़ेगा नहीं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे गए, गाड़ी दिखने लगी, एंड मैंने जो है ना इस बारी तो प्लान किया कि इसकी गाड़ी तो अपन लोग फोड़ के ही रखेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसकी गाड़ी में भी थोड़ा थोड़ा डैमेज देने लगा था, एंड मैंने एकदम से बूस्ट लगाया और चल दिया इसके बेस, इसकी गाड़ी की तरफ। इधर है वो बंदा, वो भगा रहा है अपनी गाड़ी को, मैं पकड़ के रहेगा उसको। ये रहा, चल अब इसको ना गोली मार के इसकी हेल्थ कम करने का ट्राई करूँगा। लगा उसको 50-50 का डैमेज आ रहा है। मैंने अपने टीममेट को बोला भाई गाड़ी में बैठ फटाफट से, एंड उसके बाद तो यार हम लोग रुके नहीं, सीधा उसके गाड़ी के पीछे अपना रोबोट भगाने लगे। वैसे भी लास्ट दिन है यार, इसके बाद तो नहीं बनाना मैंने, ग्लोबल में फ़ायदा नहीं है यार। मैंने तो उसी के अगेंस्ट बनाया था क्योंकि वो बंदा भी रोबोट लेके आ रहा था, बट अब रोबोट वाले बंदे नहीं है तो हम लोग भी रोबोट का यूज नहीं करेंगे। भाई ये गाड़ी इसकी एकदम पूरी जल चुकी है, एंड आई होप अब फूट जाएगी। अपन छोड़ेगा नहीं तेरे को। एंड गलती गाइस यहाँ पे इस बंदे की ये हुई, इसकी गाड़ी जो है ना पेड़ में अटक चुकी थी, एंड फाइनली हम लोगों ने इन बंदों को मार दिया। एंड इनसे भी गाइस अपने को जो है ना कम से कम 3 AR का तो फायदा ही हुआ है। 3 AR हमें ड्रॉप से मिल चुकी थी, अराउंड 6 AR हमें यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अभी जो है ना हम लोग चलते हैं फटाक से अपने बेस में, और मेरा प्लान है आज मैंने 2-3 बेस देखे हैं उनको रेड मारने का। तो फाइनली यार हम लोगों ने ड्रॉप एंड कार्गो लूटा, एंड अभी हम लोग आ चुके अपने बेस में। ये रोबोट को हम लोग डालते हैं अंदर, एंड उसके बाद थोड़ा सा बम वगैरह लेके निकलते हैं बेस वगैरह रेड करने के लिए। अपना टीममेट डोर खोलेगा, मैं डाल दूंगा इसको आराम से अंदर। चलो ठीक है, तो यप गाइस अपन लोगों ने अपना रोबोट वगैरह अंदर डाल दिया है, और फटाफट से चलते हैं बेस के अंदर, बॉम्ब वगैरह लेंगे, फिर जो है ना अपन लोग निकलते हैं रेड करने के लिए। ये भाई है जो है ना गाइस, इसने ये भाई ने मेरा रोबोट वगैरह लेके भागा है अगले दिन, तब से मैंने विश्वास करना ही छोड़ दिया सब में। तो मैं ऐसे कहता ना थोड़ा सा बॉम्ब वगैरह लेता हूँ, 20 ऑयल ड्रम्स लेंगे एंड 10 हैंडमेड के करीब। पहले मैं जितनी भी मेरे पास AR है उनको सेव करता हूँ।
ओके गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने सारे का सारा सामान वगैरह सेव कर लिया है और अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं थोड़ा सा बेस वगैरह रेड करने के लिए। एंड रेड करने के लिए तो अपन लोग अपना घोड़ा लेके जाएंगे, सबसे बेस्ट है यार घोड़ा। तो मेरे को यहाँ पे शॉटगन्स की आवाज़ आई, मैं बाहर की तरफ आके देखने लगा कि मेरे को एटलीस्ट पता तो चले बंदे कहाँ पे फाइट कर रहे हैं, मैं भी मार गया हूँ। बट मैंने कहा छोड़ो यार, उनको मजे करने दो, मैं थोड़ा सा ना बॉम्ब वगैरह लेता हूँ और चलते हैं। 20 ऑयल ड्रम दिए मैंने और 10 हैंडमेड्स, आई थिंक इतना सफिशियंट होगा। चलो मैं फटाफट से घोड़ा निकालता हूँ। एंड अपना प्लान था, इस बेस को हम लोगों ने पहले भी रेड मारा था और इससे अपने को काफ़ी अच्छा लूट मिला था। तो मेरे टीममेट ने बोला भाई इसको जो है ना आज हम लोग दोबारा रेड करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या पता अपने को लूट मिल पाए। तो मैंने यहाँ पे घोड़े से जंप लगाई एंड देखो मेरा घोड़ा कहाँ पर फंसा हुआ है भाई। मैंने कहा उतरूँगा कहीं नीचे गिर गया तो दिमाग ख़राब होगा, चलो ट्राई कर दो। अरे फंसे रहे, मैं जंप मार के आगे निकलता हूँ। ठीक है गाइज, मैं सही तरीके से यहाँ पर तो पहुँच चुका हूँ, जब मार के यहाँ पे चलते हैं। एंड जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बेस देखा भाई, बंदे ने क्या ही गजब तरीके से अपना बेस को सजा के रखा हुआ है। और हमें नीचे जाने के लिए यार कम से कम 12 के करीब हैंडमेड यूज़ करने पड़ते हैं। फिर मैं देखने लगा था, अरे भाई बाहर गन चल रही है, ठीक है अपना टीममेट ही चला रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करने लगे थे इसका बेस, नीचे जाने का रास्ता कहाँ पे है। तो अपन के टीममेट ने बोला चलो इसको तोड़ो, तो मैंने कहा बम लगाऊं, फिर बाद में अपन के टीममेट ने बोला भाई रहने दे, बम वगैरह मत लगा, चलो ऐसे करते ना यहाँ पर से निकलते हैं, कहीं और जगह बेस वगैरह देखेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, और जगह ही देखेंगे। मैं घोड़ा निकालता हूँ अपना, तो आई थिंक यहाँ पे फाइट वगैरह चल रहा है। तो अपन का टीममेट बोल रहा था कि भाई ऐसे करते ना इस वाले बेस को रेड मारते हैं। मैंने कहा छोड़ भाई इसको रहने दे, ये अपना ही फ्रेंड है। बाद में मैं उनको समझा रहा था, ये बोले अबे कर दे इसको रेड, मैंने कहा रहने दे छोड़ आजा बाहर। तो ये तो भाई मानेगा नहीं बात, ये मार के ही रहेगा उसको। तो चलो यार मैं फटाफट से अपना घोड़ा निकालता हूँ एंड कोई दूसरा वगैरह बेस हम लोग देखते हैं। अबे निकल क्यों नहीं रहा है घोड़ा बाहर, ओ निकला, आधा जमीन के अंदर है। चलो ठीक है गाइस लेट्स गो, अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बेस वगैरह देखते हैं। गैस स्टेशन के अगल बगल यार काफ़ी बेस है, मतलब मेरे को यार इस बारी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया गैस स्टेशन के पास खेलने में। बस यार ये बेस तो है यहाँ पे, ट्राई करते हैं इसी को रेड मारने का। भाई इसका जो मेन एरिया है ना वो आयरन का है, बंदे ने पूरा कवर करके रखा हुआ है, मुझे लगता है इसके अंदर मेरे को डेफिनेटली लूट वगैरह तो मिलेगा। चलो मैं ऐसे करता हूँ जंप करके अंदर जाने का ट्राई करूँगा, फिर उसके बाद जो है ना अपन लोग रेड मारते हैं इसको। चलो अरे भाई अंदर पहुँच गया, इस बारी तो काफ़ी गजब की जंप लगाई मेरे घोड़े ने। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भाई फर्नेस है दबा के, काफ़ी ज़्यादा फर्नेस है। तो फटाफट से मैं 3 ऑयल ड्रम्स यहाँ पर लगाता हूँ एंड ये डोर भी टूट जाएगा तो अपना टीममेट भी अंदर आ जाएंगे। फर्नेस तो है गाइस यहाँ पे काफ़ी, ठीक है ऑयल ड्रम और लगाता हूँ। तो लेट्स गो, यहाँ पे भी एक ऑयल ड्रम लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद मेरे को 4 हैंडमेड यूज़ करने होंगे। भाई अभी मेरे को बॉम्ब कुछ इस तरीके से लगाना है कि ऊपर भी डैमेज जाए नीचे भी डैमेज जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो फटाफट से यार मैं ऐसे करता ना यहाँ पे लगाता हूँ 4 हैंडमेड, नहीं यहाँ पे नहीं, ऐसे करता ना इधर लगाऊंगा, मे बी ऊपर भी डैमेज जाए और नीचे भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया, भाई ऊपर का डोर नहीं टूटा, आई मीन ऊपर डैमेज ही नहीं गया इसको बिल्कुल नहीं। देखो अरे फर्नेस काफ़ी ज़्यादा है बट ऊपर वाले डोर में डैमेज क्यों नहीं गया, 4 हैंडमेड लगाए थे, मैं तो सोचा था ऊपर नीचे डैमेज जाएगा बट यहाँ पे इसकी सारी की सारी फर्नेस खाली थी। मुझे पता चल गया था कि रेड टाइम होते ही जो है ना इस बंदे ने अपनी फर्नेस से सारे का सारा लूट निकाल दिया है बाहर। तो अभी ये डैमेज है, ऐसे करते ना इसमें 3 ऑयल ड्रम्स लगा के, एक दो ऑयल ड्रम लगा के इसी को फोड़ते हैं।
आई थिंक 200 फुट जाएगा, लेट्स सी। ओके गाइज, यहाँ पे ये टूट चुका है एंड अंदर जाने के लिए अपने को रास्ता भी मिल गया है, तो ट्राई करते हैं अंदर जाने का। मे बी अपन लोग यहाँ से जा पाएं। अपना टीममेट यहाँ पे ये बॉक्स वगैरह तोड़ रहा है और ठीक है, बॉक्स तो टूट चुका है एंड यहाँ पे से हम लोग क्रॉच करके अंदर जाने का ट्राई करते हैं। भाई बॉक्स में लॉक नहीं है, सारा का सारा लूट लेके जाऊंगा भाई मैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स है, तो मैंने अपने टीममेट से बोला यार तू कंपोनेंट्स वगैरह उठा दे, मैं यहाँ पे और देखता हूँ। ओके, थोड़ा सा मेरे को सल्फर मिला, चारकोल मिला, जीपी मिला, ठीक है, नॉट बैड। खाने का सामान है और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। अरे भाई कैबिनेट में लॉक ही नहीं है, सारे का सारा सामान उठाऊंगा। 300 स्टील भाई, 300 स्टील, ठीक है। अरे मेरे टीममेट ने उठाया नहीं कंपोनेंट्स, तो मुझे ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। यार हम लोगों ने यहाँ पे सामान वगैरह उठा लिया, जैसे हम लोग यहाँ पे सब बाहर जा रहे थे तो यहाँ पे एक और बंदा आया। मैंने कहा अगर बाहर जाऊँगा तो डेफिनेटली इसके पास शॉट गन होगा, ये बजा देगा, ये देखो। चल बेटे निकल। तो चलो यार अभी हम लोग जो है ना फटाफट से बेस में चलते हैं, सारा का सारा लूट सेव करके आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना आगे निकलते हैं, एक आधा बेस वगैरह रेड करके आएंगे। चलो बाहर जा रहा हूँ मैं। तो फाइनली यार यहाँ पे से मैं बाहर तो निकल चुका हूँ और लेट्स गो। यहाँ पे बोल रहा था कि ये कौन है, ये तेरा टीममेट है, ये मुझे मार रहा है। मैंने कहा पठान है वो, तो अच्छा वो समझ गया था कौन है वो। एंड अपने को यार ठीक ठाक लूट मिल गया है, मतलब इतने छोटे सा बेस से भी। तो फटाफट से अपन लोग बेस में चलते हैं, सबसे पहले अपना लूट वगैरह सेव करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना अपन लोग देखते हैं आगे क्या करना अपने को। तो भाई यहाँ पे मैंने सारा का सारा सामान वगैरह तो अपने बेस में रख लिया है, और मुझे जो है ना थोड़ा सा एमओ बनाना है अपने लिए, क्योंकि मुझे अपनी इसमें ऑटो कैनन्स में बुलेट्स वगैरह डालना है। बट यार आज जो है ना, मैं बोला था ना ये जो कल दिखा था मेरे को बंदा, उसने जो है ना लिटरली गाइस अपना बेस वगैरह भी पूरा का पूरा तोड़ दिया है और अपना मैचअप भी लेके जा चुका है यहाँ पे से। भाई रिपेयर करने में ना हालत ख़राब हो जाएगी मेरी भाई, मतलब ऑटो कैनन्स में गाइस मैंने 2000 बुलेट्स नहीं डाली होती ना, तो मेरा पूरे का पूरा बेस टूटता। मैंने कम से कम 2000 बुलेट्स डाली हुई थी ऑटो कैनन में, कि मुझे पता था यार छोटा सा बेस है, कोई भी आवे आ जाके कोई भी रेड ईजिली मार देगा। तो मैंने कम से कम यार 2000, 3 ऑटो कैनन्स थी मेरे पास, 2000 बुलेट थी। एंड यहाँ पे अपना टीममेट स्पॉन हुआ, मैंने समझा एनिमी है, तो मैंने फटाफट से गाइस एक शॉटगन का फटका मारा एंड अपना टीममेट को नॉक कर दिया। बट कोई नहीं यार, अपन लोग उसको रिवाइव कर लेंगे। एंड वो मेरे को देख के बोलने लगा भाई ये क्या हो गया। मैंने कहा भाई मेरे को क्या पता, कोई बंदा जो है ना रेड मार दिया अपना बेस। तो बोल रहे थे यार भाई कैबिनेट से रिपेयर करना, मैंने कहा कैबिनेट से तू कर दे, मैं बार बार के डोर्स वगैरह रिपेयर कर रहा हूँ। बट एक्चुअली मैं गाइस जो बोलते हैं ना जो दूसरे के साथ गलत करता है, अरे भाई मेरे को कौन स्नाइपर मार रहा है। एंड ये भाई का भी बेस ना कोई और बंदे स्कैम कर दिए हैं, क्योंकि अपना टीममेट बता रहा था, वो बोला कि मेरा बेस जो है ना कोई और बंदे स्कैम कर दिए। बट यार एक चीज़ तो मेरे को समझ में नहीं आई, वाई यार इंडियन बंदे इतना स्कैम करते क्यों हैं। अल्टीमेट मैक्सिमम स्कैमर्स जो है ना इस गेम पे वो हम लोग ही हैं, मतलब इंडियंस लोग सबसे ज़्यादा स्कैम करते हैं। इवन अपने फ्रेंड को ही जिसके साथ खेल रहे हैं, अगर टर्फ दिया कैबिनेट तोड़ के अपना कैबिनेट लगा दिया। पता नहीं गाइस, पता नहीं क्या मजा आता है ऐसे करने में। आप लोग बताइए, आप लोगों ने भी कभी किया है किसी के साथ ऐसा स्कैम, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इवन आप लोग जिसके साथ खेलते हो फ्रेंड ले, बट गेम पे आपने स्कैम कर दिया। मैंने तो गाइस लिटरली अभी तक किसी के साथ किया नहीं है, और नहीं यार मन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है सब लोग यार काफ़ी मेहनत करते हैं, मेहनत वाला गेम है, तो स्कैम करना ठीक नहीं है। बट आई डोंट नो वाई यार इंडियंस बंदों को यार बहुत स्कैम्स करना ज़्यादा ही पसंद है। इवन आप कभी किसी बाहर के बंदों के साथ खेलो ना, तो इंडियन बोलते ही ना सबसे पहले तो वो अपना बेस का पासवर्ड ही नहीं बताता। बट मैं नहीं हूँ तुम्हारे साइड, अब
अब पूरी दोस्ती यारी खत्म, हमेशा ऐसे ही होता है। अभी बुलेट लेके जाता हूँ, बाहर जितने भी हो ना सबको बचाऊंगा। तो इसके बाद का आगे का सीन जो है ना गाइस, आप लोगों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे क्या ही गंदा सीन हुआ था, इतने सारे बंदे आपस में ही भिड़ रहे हैं, इवन सब्सक्राइबर भी सब्सक्राइबर को कूट रहा है। इसीलिए बोलता हूँ ना गाइस, सब अपना अपना सर्वर्स खेलो, कभी कभार मजे करना होता है तो आ जाए करो। बट यार मेरे को दिक्कत बताओ क्या होती है मेन गाइस, आप लोग मेरी तरीके से खेलते हो, जो जो जगह मैं लूटता हूँ आप लोग उस तरीके से लूटते हो, उसमें जो है ना मेरे को सामान नहीं मिलता, मेन दिक्कत यही होता है। इसीलिए जो है ना, जब जिस सर्वर में काफ़ी सब्सक्राइबर आ जाते हैं तो मैं वो बिना बताए ही लीव कर देता, क्योंकि मैं सामान नहीं मिलता मेरे को। मेन प्रॉब्लम यही है। और अल्टीमेट आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्यों जहाँ पे अपने सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं मैं उस सर्वर में क्यों नहीं खेलता, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एंड काफ़ी गंदा सीन है नेक्स्ट वीडियो में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो यार, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यार, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, 41K के हम लोग ज़्यादा क्लोज हैं, फटाफट से करिए। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एक बंदा स्नाइपर से मार रहा है, उसको जो है ना हम लोग बाद में मारेंगे। तो मिलते हैं फिर एक और नए गजब के एपिसोड में, बाय बाय।